हेलो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। मेरे यूट्यूब चैनल मेहुल टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। अभी तक केवल जिसकी आयु 45 साल से ऊपर थी उसको ही वैक्सीन दी जाती थी, मगर फर्स्ट में 2021 से जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है वो भी वैक्सीन ले सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल 2021 से शाम 4 बजे से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आपके आयु 18 साल से ऊपर है और आप कोविड की वैक्सीन लेना चाहते हो तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये जानना है, समझना है, तो ये वीडियो एंड तक देखना। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में एक बेल आइकन है उसमें आप ऑल कर दीजिए ताकि आपको मेरी ऐसी नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको cowin.gov.in वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, कितने मेल कितने फीमेल ने वैक्सीन ले ली है, इसका काउंटिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको नीचे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको दो ऑप्शन दिए गए हैं, रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ और रजिस्टर विथ आरोग्य सेतु। ये दोनों तरीके से हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मगर हम पहला वाला ही रजिस्ट्रेशन चूज़ करेंगे तो हमको उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ हमको मैसेज मिल जाता है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति 28 अप्रैल 2021 के 4 बजे के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको अपना यह मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, फिर गेट OTP पे आपको टिक कर लेना है। गेट OTP पे क्लिक करते ही आपके दिए हुए नंबर पे एक OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना फोटो ID प्रूफ सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या पेंशन पासबुक में से कोई भी एक फ़ोटो प्रूफ सिलेक्ट करना है। इसके बाद फोटो ID नंबर है वो नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके नीचे आपको जो ID में नेम लिखा हुआ है वो सेम नेम यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर ईयर ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करके रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको अपनी डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर को भी ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 4 मेम्बर आप यहाँ ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ ऐड मोर पे क्लिक करना है और ऐड मोर पे क्लिक करते आप अपने सेम प्रोसेस यहाँ पे करके यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। इस तरह आप अपने फैमिली मेम्बर को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। एक बात और बता दूँ, हम सबको वैक्सीन के 2 डोज लेने होते हैं। पहला डोज लेने के बाद 28 से 42 दिन के भीतर हमको सेकेंड डोज लेना होता है, मगर यहाँ हमारा पहला डोज है इसलिए हमको सेकंड डोज का ऑप्शन नहीं मिलता है। पहला डोज लेने के बाद हमको सेकंड डोज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पहला डोज का अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमको यहाँ शेड्यूल पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें नीचे शेड्यूल 9 पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे ऐसी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको अपने एरिया का या अपने सिटी का पिन कोड नंबर डाल के यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपके एरिया में जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें आप तारीख के हिसाब से कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर पसंद कर सकते हो। यहाँ पे ब्लू जो दिया हुआ है वो पेड है और जिसमें ब्लू कलर नहीं है वो अनपेड है, यानी कि जहाँ पे ब्लू टैग लगा हुआ है वो सब पेड सेंटर है। वहाँ पे एक डोज के आपको ₹250 पे करने होंगे और जहाँ पे ब्लू टैग नहीं लगा हुआ है वहाँ पे आपको वैक्सीन फ्री में मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ आपको अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन का पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ अवेलेबल टाइम स्लॉट में से आपको एक टाइम स्लॉट पसंद करके यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सब डिटेल देखने को मिल जाएगी कि कौन से सेंटर पे आपको वैक्सीन लेने जाना है, कौन सी तारीख को जाना है, कौन से टाइम स्लॉट में आपको जाना है, ये सब डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से ही कोविड-19 वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने वैक्सीन का स्लॉट जल्द से जल्द ऑनलाइन बुक कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।